देश में लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं। जहां बीजेपी लगातार 400 पार के नारे लगा रही थी, वहां इस बार करारी मात देखने को मिली, करारी टक्कर देखने को मिली। हाल फिलहाल राजस्थान की बात करें, राजस्थान में भी बीजेपी ने करारी टक्कर झेली है और कांग्रेस ने 11 सीटें झड़ कर बीजेपी को करारी टक्कर देते हुए ये साफ कर दिया है कि अब जनता का मानस चेंज हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कारण है हार के बीजेपी के, 11 सीटें नहीं गई क्योंकि 25 की 25 सीटें 10 साल से लगातार बीजेपी ले रही थी। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी लगातार मंथन कर रहे हैं और देश और प्रदेश में लगातार बैठकों का दौर जारी है, अनवरत जारी है कि हार के कारणों का मंथन किया जा रहा है। सीएम मदनलाल शर्मा ने भी निर्देश दे दिए हैं, लगातार बैठकें हो रही हैं। अब कहाँ तक कारण जो है, वो क्या कारण निकल के सामने आते हैं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाल फिलहाल स्थिति जस की तस बनी हुई है और लगातार बीजेपी कयास लगाई जा रही है। मेरे साथ यूडीएच मंत्री श्रीमान जावर सिंह जी खरा मौजूद है, मैं उनसे कुछ बातचीत कर लेता हूँ। सर, 11 सीटें बीजेपी नहीं ले पाई और 25 की 25 का दावा किया गया था, क्या मानते हैं आप? देखिए, लोकसभा 2024 के चुनाव में राजस्थान की जनता का जो भी निर्णय, वो वैसे तो सिरोधार्य है। हमारे संगठन के स्तर पे प्रत्याशियों के चयन में कुछ एक दो जगह गड़बड़ी हुई। एक 400 पार के नारे को लेकर विपक्ष द्वारा जो संविधान संशोधन का भ्रम फैलाया गया, जिसमें विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग के लोगों के बीच में भ्रम फैला गया, उसका हमको नुकसान हुआ। कुछ किसान आंदोलन का प्रभाव था, कुछ प्रत्याशियों के चयन में एक दो टिकटें जो इधर उधर हुई उसका प्रभाव था, जिसकी वजह से ये परिणाम आया। अगर टिकट वितरण वाली गलती भी नहीं होती तो भी भारतीय जनता पार्टी 21-22 सीटें जीती, एक दो सीटों तीन सीटों पे जो कंटेस्ट की स्थिति बनती वो बन जाती। लेकिन फिर भी जो भी है, अब चूँकि चुनाव का परिणाम आ चुका है, एक एक चीज़ को लेकर मंथन होगा, समीक्षा होगा और समीक्षा के बाद भविष्य में कैसे क्या परिस्थितियों से मुकाबला करके परिस्थितियों को सुधारना है। आम जन के बीच विपक्ष द्वारा जो भ्रम फैलाया गया था उसको कैसे दूर करना है, इन सब पे चिंतन मनन करके आगे की कार्रवाई। आपके गृह जिले में भी आपके स्वामी सुमनानंद जी सरस्वती जो कैंडिडेट थे वो भी हार गए हैं, तो आपकी कहीं ना कहीं कुछ ना कहीं कमियाँ रही हैं? मेरे विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी आगे रही है। चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र का प्रभार मेरे पास था, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी विजय हुई है। पश्चिम बंगाल में जिस क्षेत्र का प्रभार मेरे पास था, वहाँ भी लगभग 19,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी आगे रही है। अब बाकी सीकर संसदीय क्षेत्र के 8 विधानसभा क्षेत्रों में से मात्र 2 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी आगे रही है, 6 जगह पीछे रही है, और वो सारे बड़े नेताओं के निर्वाचन क्षेत्र थे। अब कैसे क्या हुआ इस पर भी आगे विचार विमर्श करने के बाद ही कोई अंतिम राय बन पाएगी। जी, तीन बड़े नेता जो सिरमौर कहे जाते हैं राजस्थान में बीजेपी के, जिनके बात कर ले, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बात कर ले, सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में हैं, वहीं बजनलाल शर्मा जी जो सीएम पद पे काबिज हैं, कहीं ना कहीं उन पर भी तलवार लटकने के कयास लगाए जा रहे हैं, अटकलें जा रही हैं। जो सियासी गलियारे हैं उन पर चर्चाएं तेज है कि सीएम जो है उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। देखिए, इस सारी समीक्षा के बाद जिस जिस की वजह से ये परिस्थितियां बनी, उनका जब दायित्व निर्धारण हो जाएगा उसके बाद ये सारी बातें तय हो पाएंगी। किसकी वजह से क्या हुआ, टिकट वितरण में किसने की गलती की वजह से गलत टिकट वितरण हुआ, 400 पार के नारे में संविधान संशोधन की बात कहाँ से उभर के आई, इन सारी बातों के बाद जिस किसी से कोई गलती हुई है तो निश्चित रूप से उनसे स्पष्टीकरण लिया जाएगा, भविष्य में चेतावनी भी दी जा सकती है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। लगता है कि अगर सीएम भजनलाल शर्मा और सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी गलती कहीं ना कहीं निकल के सामने आती है तो उनको भी पद से हटाया जा सकता है? कोई भी हो, जिस किसी की भी गलती निकलेगी उसके खिलाफ निश्चित रूप से पार्टी कोई ना कोई कदम जरूर उठाएगी। लाल मीणा ने संकेत दिए हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। किरोड़ीलाल जी हमारे संघर्षशील नेता हैं,
उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान भी कहा था कि भाई अगर ये सीट हारेगी तो मेरे को इस्तीफा मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि पार्टी को उनकी बहुत आवश्यकता है और पार्टी उनको अंतिम समय में मनाकर सरकार का हिस्सा बनाए रहने के लिए राजी कर लेगी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली ने तंज कसा है कि बीजेपी कहती है करती कुछ नहीं है। टीकाराम जुली ने यह भी कहा है कि किरोलाल जी ने जो बयान दिया था उस पर अड़िग रहे हैं, तुरंत इस्तीफा खुद भी दें और सीएम भजनलाल शर्मा से भी लेवे। नहीं, तुमने कब कब दे दिया था, जब तुम्हारे राज में रहते हुए 25 की 25 सीटें आ रही थी, उस दिन तुम्हारे किस किस व्यक्ति ने इस्तीफा दिया था कांग्रेस के? पहले वो खुद के गिरेबान में झांके उसके बाद बयान दें। एक अंतिम सवाल आपसे ये था कि युवा लगातार बेरोजगारी, जो युवा है वो लगातार धनों को वापस उतारू हो चुका है, CHA बात कर लें, सिफू के पैरामेडिकल्स की बात कर लें, तमाम जो भर्तियां हैं वो अटकी पड़ी हैं और नियुक्तियां जो नहीं हुई आचार संहिता के कारण रुक गई थी, अब क्या लगता है क्योंकि धरना वापस शुरू होने वाले हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई वो सकुशल बिना किसी व्यवधान के संपन्न हुई हैं। उसके बाद आचार संहिता लग गई, अब आचार संहिता के बाद विभिन्न विभागों में जो पद रिक्त हैं उनकी चयन की प्रक्रिया शुरू होगी। चयन प्रक्रिया कैसे क्या करना है इसके बारे में सरकार निर्णय लेगी और आने वाले समय में जितनी भी रिक्तियां निकलेंगी उनमें पूरी पारदर्शिता के साथ, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से हो, चाहे अंकों के आधार पर हो, जो भी प्रक्रिया तय होगी वो पूरी पारदर्शिता के साथ चयन की प्रक्रिया पूर्ण होगी। ये थे हमारे साथ यूडीएस मंत्री जावर सिंह खर्रा, जिन्होंने साफ कर दिया है कि जो सीटों की कमी आई है बीजेपी की झोली में, 25 की 25 सीटें नहीं आ पाई है और जो सीटें हारी हैं उनके कारणों का मंथन किया जाएगा, चाहे वो CM हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी हो या फिर कोई भी XYZ जो भी मंत्री या संतरी हो, अगर किसकी गलती से निकल के सामने आती है तो उन पर जरूर कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई या पार्टी द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी कहाँ तक इस समय से उभर पाती, क्योंकि 11 सीटें उनके खाते से झटक कर कांग्रेस ने ले ली है, अब बीजेपी कहीं ना कहीं इन कारणों पर मंथन करना जारी है। लगातार जो कोशिशें की थी और लगातार जो बातें बन रही थी वो उनकी अटकड़े तेज हो गई हैं और सियासी गलियारों में बातें बनना शुरू हो गई हैं कि कहीं ना कहीं CM पद को जो भजनलाल शर्मा है उनको इस्तीफा देना पड़ सकता है। सहयोगी कैमरा पर्सन रमाकांत व्यास के साथ संदीप अग्रवाल, द नगरी मीडिया, जयपुर।